नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम हिमाचल प्रदेश में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में कल्पा में हैं। आज दिन की शुरुआत हमारी बहुत ऑसम सीनिक व्यू देखकर हो रही है। इस समय हम कल्पा के फेमस सीनिक व्यू पॉइंट सुसाइड पॉइंट पर हैं। आपकी जानकारी के लिए, यहाँ से कोई सुसाइड नहीं करता, ना आज तक किसी ने सुसाइड किया, लेकिन ना जाने क्यों इस जगह का नाम सुसाइड पॉइंट पड़ गया। कल्पा का जो मेन मार्केट है ना, वहाँ से लगभग हम 5 किलोमीटर आगे इस जगह पर आए हैं। यहाँ पर पहले तो रेलिंग नहीं हुआ करती थी, अभी रेलिंग लग गई है जो सामने आप देख रहे हैं। यहाँ से एकदम फ्लैट है नीचे, कम से कम 1000 फीट। थोड़ा सा मैंने झांक कर देखने की अभी कोशिश करी है, आपको भी दिखाता हूँ। एकदम नीचे फ्लैट है, इस जगह से तो अच्छे से नहीं समझ में आता। चलिए थोड़ा उस तरफ को चलते हैं और वहाँ से आपको ये पॉइंट दिखाते हैं। ये नोटिस करने वाली बात है, यहां पर पहाड़ ना एकदम खड़े हुए हैं। बाय गॉड, बड़ा कमाल का व्यू है। दोनों तरफ पहाड़ और बीच में ये ढलान देखो। सामने सतलुज नदी और उसके आगे जो रोड है ना, वहां पर गाड़ियां और ट्रक जो चल रहे हैं वो तो ऐसा लग रहा है इतना छोटा सा, मतलब कम से कम मुझे नहीं आइडिया कितने फीट हम ऊपर हैं, लेकिन 1000 से 1200 फीट तो कम से कम ऊपर है और एकदम नीचे दिखाई दे रहा है। आउटस्टैंडिंग व्यू। कोई भी पत्थर अगर यहाँ से गिरेगा ना तो सीधा नदी तक जाएगा, और सेम चीज़ यहाँ ऊपर भी है। इधर अगर कोई पत्थर गिरा तो भी नीचे आएगा, तो यहाँ पे ज़्यादा समय रुकना ठीक नहीं है। यहाँ से रास्ता रोगी विलेज को जाता है। लोकल्स इस पॉइंट को रोगी व्यू पॉइंट बोलते हैं। लो जी, हम सुसाइड पॉइंट के सामने की तरफ आ गए हैं। अब आपको हम यहाँ से व्यू दिखा रहे हैं, कितना मस्त लग रहा है। और पहाड़ देखो, एकदम खड़ा पहाड़ है। हमारे ठीक सामने जो पहाड़ है ना, इनके ऊपर आपको देखो कितनी सारी बर्फ़ दिखाई दे रही है। बर्फ़ ऊपर, बादल, व्हाट अ व्यू, मज़ा आ गया। यहाँ लिखा भी हुआ है द एरिया इज़ प्रोन टू शूटिंग स्टोन्स, तो स्टे कॉशियस एंड डू नॉट हॉल्ट अननेसेसरली फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। चलिए अब यहाँ से चलते हैं। सुसाइड पॉइंट से लगभग 1 किलोमीटर सीधा आगे चलकर हम रोगी विलेज तक पहुंच चुके हैं। गांव के बाहर ये पार्किंग स्पेस बनी हुई है, यहाँ गाड़ी हमने खड़ी कर दी है। चलिए थोड़ा अंदर की ओर चलते हैं। रोगी गांव में थोड़ा सा चलकर अभी हम आगे आए हैं, तो हम देवता नारायण जी के मंदिर के बाहर तक पहुंच चुके हैं। हमारे साथ इस समय इस गाँव के स्थानीय निवासी हैं। इन्होंने बताया जून महीने में ये मंदिर बंद रहता है, तो अभी तो जून का लास्ट वीक है, तो ये मैंने आपको अपनी आपकी जानकारी के लिए बताया। तो भाई साहब, यहाँ की कितनी आबादी है इस गांव की? टोटल आबादी है 650 की। 650। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, अभी हम 10 मिनट गांव में घूमे, हमें तो कोई दिखा नहीं, आप ही दिखे। तो हमें किसी ने बताया कि यहाँ जो लोकल्स हैं वो नमकीन चाय पीते हैं और साथ में सत्तू, तो ये हमें प्रोवाइड हो सकता है? हम टेस्ट करना चाहते हैं, पॉसिबल है? पॉसिबल, करवा दीजिए। तो आपके घर कहाँ से जाएंगे? यहाँ से। ओके, आओ जी। ये हमारे सर्दियों में बेड़ी रखने के छोटे छोटे शेड दरवाजे इसीलिए बनाते हैं कि सर्दी से बचाव के लिए। गाय, भेड़, बकरी? हाँ, भेड़ बकरियों के लिए। ये बेसिकली बेड़ियों के लिए है। ये यहाँ पे हमारा ये गाय रखते हैं। आपका घर लगभग कितने साल पुराना है? ये हमारे परदादा जी के टाइम का बना है, 200 साल से ऊपर ही है। अच्छा, चलो तो यहाँ से जाएंगे ऊपर? हम यहाँ से चलेंगे। ये हमारे देखो ऐसे, ये हमारा राशन पानी के लिए सारा स्टोर। अच्छा, हाँ। ये हमारा पुराना रसोई घर। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। हमारे किन्नौर लैंग्वेज में इसको पंठंग बोलते हैं, पंठंग। तो ये इसको क्या बोलते हैं जो चूल्हा है? ये इसको हमारे मेलिंग में मतलब जहाँ आग को मे बोलते हैं किन्नौरी लैंग्वेज में, जहाँ आग जलाने का जगह है उसको मेलिंग बोलते हैं। तो आप लोग के पास सिलेंडर भी होता है गैस का? सिलेंडर भी, हाँ, आजकल अब चलन चला हुआ है तो सब जगह गैस सिलेंडर भी रखा ये है। लेकिन पहले ऐसे हुआ करता था? पहले ऐसी इसी के ऊपर सारा सब कुछ खाना, तो यहाँ से धुआं बाहर चला जाता है। हाँ,
धुआं बाहर के लिए चला जाता है। नमकीन चाय बनाने के लिए आपने पानी तो गर्म होने रख दिया। हाँ, इसके बारे में बताइए क्या चीज़ है ये। बेसिकली ये नमकीन चाय बनाने के लिए आज चाय पत्ती दुकान में ही मिलती है। बगैर हम ये जो होता है, हम कंडे से कंडे बहुत हाइट में 10-11 हज़ार की फीट में एक पेड़ होता है, उसका छिलका उतार के लाते हैं। वो साथ में जड़ी बूटी भी का भी काम करता है। ये तो ऐसा लकड़ी सा लग रहा है। हाँ, लकड़ी का है, क्योंकि इसका टेस्ट अलग सा होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है इसका टेस्ट। इसको डालने से पहले हम इस तरह से इसको थोड़ा ब्राउन होते तक हम भूनेंगे इसको आग में ऐसे। जो इसमें जो काला काला है, हम इसको छुरी से इस तरह से साफ करेंगे, ये इस तरह से इसको अब ऐसे कूटेंगे, कूट के ये देखो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा ये। अब ये इसको हम पानी में डाल देंगे। अच्छा। हाँ, ये स्वाद के लिए हम अदरक भी डाल देते हैं इसमें नमकीन चाय में। सर्दियों में अगर नमकीन चाय बनाना तो उसमें हम काली मिर्च भी डालते हैं। अच्छा। हाँ, अब ये देखो कलर, हाँ, कलर छूट गया, देखो ये कलर छूट गया। हाँ, ये देखो रंग आ गया। हाँ, अब इसको 10 मिनट और अदरक का टेस्ट के लिए उबालेंगे। तब तक जब तक ये हो रहा है सत्तू दिखा सकते हैं। तो ये सत्तू जौ से तैयार हुआ है? ये हाँ, जो हमारे खेत में तैयार करते हैं हम। जितना मैं जानता हूँ उसके हिसाब से जौ को भूनकर फिर उसका थोड़ा छिलका सा निकालकर फिर पीसते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही बनता है। हाँ जी, हाँ जी। आज हमें सुबह किसी ने बोला कि यहाँ पर ना चूल्ही का तेल सत्तू में मिलाकर खाया जाता है। अच्छा, ये चूल्ही का तेल है। ये इसका कलर देखो एकदम फाइन है। इसकी स्मेल कैसी होती है? ये स्मेल करके देखो। अब हमारे को तो अब ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा, हमारे को तो थोड़ा सा टेस्ट करके देखो। बड़ी पेक्यूलियर स्मेल है इसकी। हाँ, टेस्ट ऐसे ही कर ले। हाँ हाँ, हम तो वैसे भी खा लेते हैं। ये बताते हैं ना पहले पहले ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा बादाम जैसा स्वाद है। हाँ, और ये जो मीठे बादाम का निकलता है ये कड़वे कड़वे चुल्ली का ही निकलता है। मीठा वाला तो हम वैसे ही खाने के लिए अलग से रखते हैं। हाँ, ये तो मालिश के लिए बहुत बढ़िया रहता है। जो हाथ में लगा लो, खासकर ये जो चुल्ली का तेल बच गया सिर पे लगा लिया। इसको सुबेरे सुबेरे आप एक एक चम्मच पियेंगे तो आंखों के लिए सबसे अच्छा औषधि माना गया है। जैसे हम शहरों में दिन की शुरुआत चाय से करते हैं, आप भी ऐसा ही ये वाली चाय से करते हैं? हाँ, ये वाली चाय से। अब ये हमारे नमकीन चाय कलर आके तैयार हो गया। अब हम इसको इसमें डालेंगे, फिर शेक करेंगे। इसमें थोड़ा सा दूध, मक्खन और हल्का स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे। तो ये ऊपर से आप इसमें मक्खन डाल रहे हैं? हाँ, मक्खन आपके स्वाद अनुसार ये मक्खन डालेंगे। ये इतना डाल दिया। अभी इसमें हम दूध डालेंगे, ये देखो बस ये स्वाद अनुसार डाल दिया। हाँ, दूध डाला। हाँ, दूध डाला, बस चुटकी बराबर नमक। ये अभी इसके ये ढक्कन लगा के अब ये शेक होता है, देखना इसका। वाह, क्या बात है। इसको शेक करने के बाद खाली किया जाता है ना ये। अरे वाह, ये देखो सबका कैसा रंग निकला है ना? कैसा रंग निकला है। वाह, आपका नमकीन चाय तैयार। वाह, कैसा टेस्ट? मैं वही सोच रहा हूँ टेस्ट कैसा है। देखो पीते समय नमकीन तो हल्का सा है ही स्वाद, और मक्खन का स्वाद आ रहा है, और एक बड़ा ऐसा फ्लेवर है जो समझ में नहीं आ रहा कैसा है। जो हमने पहले बताया था कि वो जो भून के जो
ऊपर से वो पेड़ के छिलके का है ना, हाँ। उसका स्वाद है। मुझे लग रहा है ये पीने से शरीर को गर्माइश मिलती होगी, है ना? तभी सर्दियों में, सर्दियों में आप लोग इसीलिए पीते हैं कि शरीर में कम से कम 4-5 कप पीते हैं। अच्छा, शरीर में गर्माइश मिलती है। तो अब इसमें हम सत्तू डाल लें। एक बात है, जब हमने खाली चाय पीना तो दूध, मक्खन और वो आपका फ्लेवर, लकड़ी का फ्लेवर और हल्का नमकीन, लेकिन सत्तू डालने से ना ऐसा मुझे लगने लगा है जो फ्लेवर आ रहा है, जैसे घी का हलवा बनता है ना, कुछ कुछ वैसा फ्लेवर महसूस हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसे 2 कप पी लिए तो आपका हल्का नाश्ता हो गया, है ना? तो सत्तू में गुड़ डाल के चूल्ही का तेल, वो भी हम टेस्ट कर सकते हैं। ये नीचे बच गया, ये मैं ऐसे पी लूँ? ऐसे पी सकते हैं, नहीं तो इसमें और थोड़ी सी चाय डाल के और पतला करके भी पी सकते हैं। बस बस, इस समय गुड़ नहीं है तो सत्तू में थोड़ी सी चीनी मिलाई है। अब आप इसमें चूल्ही का तेल डाल रहे हैं। चूल्ही का तेल, ये स्वाद अनुसार, ये सत्तू, चूल्ही का तेल और नमकीन चाय। वाह, ये देखो अभी इसका ये टेस्ट आ गया। तो अभी इसको खा ले। हाँ। एक चीज बताऊं, जब आपने मेरे को ये दिया ना खाने के लिए, सत्तू चूल्ही का तेल मिक्स करके थोड़ी सी चीनी डाल के, तो एक बार के लिए तो मेरे को लगा कि 4-5 बार खाएंगे तो स्वाद डेवलप हो जाएगा, लेकिन मेरे को लग रहा है जब तक मैंने खत्म किया ना तो डेवलप हो गया। नहीं, मैं आपको एक्चुअल बात बता रहा हूँ, पहली बाइट में मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा, टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन अब मेरे को ये पसंद आ रहा है और मैं एक और लूंगा, ले लूँ। और ये है कि इसमें अगर हम गुड़ ऐड कर देंगे चीनी की जगह, स्वाद और अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे आप 4-5 बना लो और साथ में नमकीन चाय पी लो, तो आपका नाश्ता हो गया, नाश्ता भरपूर हो गया। मैंने इनसे बोला कि मेरे को थोड़ा चूल्ही का तेल चाहिए, 200 ग्राम 250 ग्राम, तो ये कह रहे थे पहले कि 1 लीटर से कम तो किसी को सेल नहीं करते, तो फिर भी मैंने इनसे 200 से 250 ग्राम ले लिया है, तो इसके मैं आपको 500 रुपीज दे देता हूँ, ठीक है जी? और ये भी हमें पता लग गया कि कोई टूरिस्ट आए तो आपको संपर्क कर सकते हैं अगर उनको ऐसे तेल की ज़रूरत है। तो इसको हम घर में जाके जब हम दाल चावल खाते हैं, थोड़ा चावल मिक्स करके, किसी के साथ भी आप झोंके में भी, कच्चा जो ऐसा मर्जी खा सकते हैं, मालिश भी कर सकते हैं इससे। वेरी गुड, हर चीज़ के लिए फायदेमंद है। डन है जी, भाई साहब धन्यवाद, और भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय भी दिया और थैंक यू सो मच। सुसाइड पॉइंट से हम लगभग 1.5 किलोमीटर आगे आए कल्पा की ओर, तो हमने गाड़ी रोकी है आपको किन्नर कैलाश रेंज दिखाने के लिए। सामने के जो पहाड़ है ना, ये किन्नर कैलाश रेंज है। इस समय जहाँ मैं फिंगर पिन पॉइंट कर रहा हूँ, वहाँ पर आप देखिए, आप शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं, एकदम क्लियर दर्शन मुझे हो रहे हैं। हमारे पास जूम लेंस नहीं है कि मैं आपको जूम करके अच्छे से दिखा सकूं, लेकिन नज़रों से मैं एकदम क्लियर दर्शन यहां खड़े होकर कर पा रहा हूं। जगह जगह कल्पा में ऐसे व्यू पॉइंट्स हैं जहाँ से शिवलिंग के दर्शन डायरेक्ट होते हैं। ऐसा एक व्यू पॉइंट रिकोंगपियो में भी है। अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, और अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं, शिवलिंग पॉइंट तक जाना चाहते हैं, तो आपको 3 दिन का ट्रैक करना होगा। सही है, यहाँ खड़े होके भी अच्छा लग रहा है और कल्पा हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। कल्पा के रास्ते में जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा होटल एप्पल पाई, इसी होटल की एक ब्रांच में हम रक्षम में रुके थे, तो मैंने 5 मिनट के लिए गाड़ी रोकी कि चल के यहाँ का रूम टैरिफ भी पता लगा लेते हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल तो डबल ऑक्यूपेंसी में 1500 से 2200-2300 के रेंज में टैरिफ चल रहा है, मतलब कौन से फ्लोर में आप रह रहे हो उसके हिसाब से।
और यहाँ मुझे स्टाफ ने बताया कि अगर आप अप्रैल मई या जून में आते हो, कल्पा की बात हो रही है, तो आपको प्री बुक करा के ही आना चाहिए, क्योंकि कल्पा में जितने भी होटल्स हैं वो सारे पैक हो जाते हैं। तो मई जून में तो खास तौर पे बिना प्री बुकिंग के आप कल्पा या रिकोंगपियो ना आइए। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और इस जगह भी उस दौरान उस टाइम पे 3200-3300 टैरिफ हो जाता है, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर मैं एक दो होटल्स और देखता हूँ, फिर अपन आगे की ओर बढ़ेंगे। जब मैं स्पीति टूर प्लान कर रहा था उस दौरान मैंने सब्सक्राइबर से इनपुट लिए थे कि कहाँ कहाँ रहना चाहिए। तो इस जगह के ना काफ़ी लोगों ने मुझे इनपुट दिया था, आप रोलिंग रंग में रह लेना। लेकिन हमारा दो दिन बाद प्लान चेंज हो गया और हम रहे किन्नर विला में, जो मैंने आपको कल पिछले एपिसोड में दिखाया था। तो अब निकल ही रहे थे तो हमने देखा कि सामने ही रोलिंग रंग होटल भी है, तो मैं वॉक करके यहाँ तक आ गया। एक बार अंदर चल के टैरिफ के बारे में भी जान लेते हैं और रूम भी देख लेते हैं। सही है, तो इसका क्या टैरिफ बताया आपने? 3300 प्लस टैक्स। तो जिसमें क्या इंक्लूड है? इसमें ब्रेकफास्ट होगा जी और डिनर होगा जी। अरे वाह, क्या बात है, सही है। रूम के अंदर से व्यू अच्छा दिख रहा है, सामने पहाड़ की चोटी पे बर्फ आपको रूम से ही दिखाई दे रही है। जब हम रक्षम चितकुल गए फिर यहाँ पर आए, तो मुझे पता लगा नवंबर और फरवरी के बीच में जब काफ़ी बर्फबारी होती है ना, उस दौरान में कल्पा और सांगला वैली के 80-90% होटल्स क्लोज हो जाते हैं। सांगला तो खुला रहता है, लेकिन मैं इधर की ओर रक्षम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रास्ते बंद हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे कोई फरवरी में ओपन करता है, कोई मार्च में ओपन करता है। चलिए, रूम भी हमने देख लिया और होटल भी को भी देख लिया है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है भैया, थैंक्स, आपने रूम दिखा दिया, थैंक यू। इस समय मैं आपको बहुत स्पेशल जगह लेकर आया हूँ। इंडिपेंडेंट इंडिया के जो फर्स्ट वोटर थे, जिन्होंने सबसे पहली बार वोटिंग की थी, उनका घर यहाँ पर है। घर की तरफ चलते हैं और कोशिश करते हैं हम उनसे मुलाकात कर सकें। सामने देखो, घर देख के लग रहा है काफी पुराना है, पूरा लकड़ी से ये घर तैयार किया गया है। आइए जी, इस समय हम आपकी मुलाकात श्री श्याम सुंदर जी से करवा रहे हैं। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो जो सबसे पहली वोट डाली गई वो आपने डाली, थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताइए। मैं उस दिन बुरंग स्कूल में टीचर था। अच्छा, मेरी ड्यूटी लग गई इलेक्शन कराने का। अच्छा, 1952 में इलेक्शन होना था, तो लेकिन यहाँ वालों ने कहा कि जनवरी फरवरी मार्च में सर्दियों का मौसम होता है, यहाँ बर्फ पड़ी होती है, यहाँ इलेक्शन नहीं होगा, या थोड़ा आगे करा दो। 52 की जगह 51 के अक्टूबर में इलेक्शन हुआ। पूरे हिंदुस्तान में जो पहला इलेक्शन हुआ वो 1952 में हुआ, लेकिन यहाँ पर 1951 में हुआ। हाँ बे, हाँ। और वो पहली वोट आपने डाली। तो फिर वो भी 7 बजे से पहले तो नहीं लगता ना। सही कह रहे हो, मैं 6 बजे वोट लगाया। अच्छा, सुबह 6 बजे वोट डाली। 6 बजे में, ऐसा क्यों? 6 बजे वोट लगा करके फिर मेरे को जाना पड़ा ना सोनठंग में अपने पार्टी के साथ। अच्छा, वो अपनी ड्यूटी पे। हाँ। अच्छा, तब मेरे को मानते फर्स्ट वोटर। ये आपका घर है, ये बिल्डिंग भी बहुत पुरानी लग रही है। हाँ। ये कितने साल पहले घर बना? ये 1917 में बना है, ये 22 में तैयार हो गया। 1922 में। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी आपकी सर उम्र कितनी है? अभी मेरी उम्र है 105 साल होने जा रही है। 105 साल होने जा रहा है। मेरे जीवन में पहली बार है मैं किसी ऐसे इंसान से मुलाकात कर रहा हूँ जिनकी उम्र 105 साल है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, भगवान आपको लंबी आयु भी दे और अच्छी सेहत प्रदान करे। धन्यवाद।
अभी हम यहाँ पे घराट देखने आए हैं, सामने आप देख रहे हैं पानी बह रहा है, इसके फ्लो से एक चक्की सी बनी हुई है, उसमें आटा पीसा जाता है। इसी प्रकार से एक सिस्टम मैंने उत्तराखंड गढ़वाल यात्रा के समय भी देखा था। चलिए अंदर चलते हैं, यहाँ से हमको ऊपर जाना है। इस समय रोड एकदम खाली है, अभी तो टूरिस्ट बहुत कम है, और वैसे जब होते हैं तो भी इतने ज़्यादा भीड़ नहीं होती जितनी शिमला जैसी जगह में होती है, मनाली जैसा जगह में होती है। चलिए ऊपर चलते हैं। हम घराट देखने पहुंच चुके हैं, हमारे साथ शिवलाल जी और उनके परिवार के मेंबर्स हैं। हम आपके पास स्पेशली घराट देखने आए हैं। हमने बड़ी कोशिश करी लोगों से पता लगाने की कहाँ मिल सकता है, तो फाइनली पता लगा आपके यहाँ एक्टिव घराट है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि कल्पा में शायद आप ही के पास होगा, क्योंकि बाकी सब जगह तो हमें नहीं मिला, समय के साथ लुप्त हो गया। तो हमें आप ये बता सकते हैं कि इससे आटा कैसे बनाया जाता है, मतलब गेहूं को, जौ को आप कैसे पीसते हो? अभी दिखाने के लिए मैं ये जो है ना गंदम साथ लाया हूँ, वो पीस के दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। इसको ऐसा लगाया जाता है, ये देखिए ये ऐसा आटा निकलेगा फिर। ये पानी से चलता है, कोई बिजली नहीं इसमें, कोई कुछ नहीं, और इसका स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए जब ज़्यादा गेहूँ होता है तो ऊपर से डालते हैं, गेहूँ आता तो इसमें डालते हैं। इसे ऐसा अनाज लगाया जाता है। हाँ जी, ये कितने किलो है? ये तो कोई होगा 15-20 किलो। कितना समय लगेगा 20 किलो पीसने में? हाँ ये समझो कि एक घंटा तो लग ही जाएगा। एक घंटा? हाँ। अभी घराट से हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ आए हैं, यहाँ पर जो आप पानी का फ्लो देख रहे हो, ये ना जाने कितने साल से यहाँ से पानी इनके घर के आगे से ही निकल रहा है। तो इनके पिताजी ने घराट यहाँ पे लगाई, तो जब पानी की ज़रूरत होती है, मतलब जब घराट को चालू करना होता है, तो यहाँ पर रास्ता खोल देते हैं, और बंद करना होता है रास्ते का बंद कर देते हैं, जिससे पानी फ्लो करके आगे निकल जाता है। सही है सर, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। अभी तो क्या ये चीज़ें लुप्त हो गई हैं, तो आपने इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है, तो आगे चल के मुझे लगता है ये म्यूजियम आइटम बन जाएगी अगर लोगों ने इसको लुप्त होने दिया। इसका पीसा आटा जो है खाने में भी स्वादिष्ट है। हाँ, ये मुझे लगता है जैसे चटनी बनाते हैं हम सिलबट्टे में और मिक्सी में, दोनों के टेस्ट में फर्क होता है, तो कुछ कुछ फर्क ऐसा ही है। एक बात और भी है ना, इसमें जो आटा पिस रहा है वो गर्म नहीं हो रहा। गर्म नहीं होता, ठंडा ही निकलेगा। चक्की में पानी गर्म, आटा गर्म होता है, उसका फिर विटामिन खत्म हो जाता है। हाँ, इसका विटामिन खत्म नहीं होता है। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर नीचे पंखा लगा हुआ है और ऊपर ऊपर चक्की है, उसके ऊपर चक्की लगा हुआ है, उससे वो घूमता है, घूमता है। हाँ। पानी का प्रेशर गया, पंखा घुमा और ऊपर चक्की घूमे। बड़ा अच्छा लगा सर आपको मिलके। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। लो जी, बाहर मेन रोड तक आ गए। वाह, क्या व्यू है, कितना सही लग रहा है। थोड़ा और पास चल के देखते हैं। सही है, पूरा साल बर्फ यहाँ पर ऐसी रहती है, जहाँ पर देख लो, जहाँ रुक जाओ वहीं पे आपको व्यू देखने को मिलेगा। बड़ी प्यारी जगह है। चलिए आगे चलते हैं। कल्पा से हम रिकांगपियो की तरफ जा रहे थे, तो हमने बीच में एक टर्न ले लिया कोठी आने के लिए। इस समय हम कोठी पहुँच चुके हैं, यहाँ पर हम टेम्पल विजिट करने जा रहे हैं। हमें यहाँ से सीधे जाना है। जिस जगह अभी मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर पार्किंग स्पेस बनी हुई है, तो अगर आप गाड़ी में आते हैं तो यहाँ पर आराम से गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। सीनिक व्यूज़ तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, जगह जगह बहुत खूबसूरत है। चलिए अंदर चलते हैं। और आपकी जानकारी के लिए, कल्पा से रिकांगपियो 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। रिकांगपियो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टाउन है। हम माँ भगवती के मंदिर के पास पहुँच चुके हैं। कोविड के बाद ये टेम्पल रीओपन नहीं हुआ, इस समय हम मंदिर के बाहर ही खड़े हैं। मेरे साथ इस समय इस गांव के स्थानीय निवासी हैं,
अभी हम मंदिर के अंदर दर्शन करने तो नहीं जा पा रहे हैं, तो आप ही हमें इस स्थान के बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए। साथ में ना कल हम सांगला गए थे, वहाँ पर हमने देखा था भगवान बद्री विशाल जी की यात्रा चल रही थी, तो पालकी में भगवान को उठाया हुआ था, थोड़ा उसके बारे में भी बता दीजिए। अच्छा, ये कोठी गांव है, ये कोठी, ये मंदिर के नाम से ही ये कोठी पड़ा हुआ है इसका, और यहाँ पर माता का मंदिर है, शायद किन्नौर के सबसे पुराने मंदिरों में से ये है, कम से कम चार पाँच सौ साल पुराना तो होगा ही, मेरे आइडिया से ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पर दो देवियाँ हैं, एक को चंडिका बोलते हैं, चंडिका माता हैं, दूसरी छोटी वाली काली माता हैं, तो दो रथ हैं यहाँ पर। तो जो आप बोल रहे हैं कि जो बद्री विशाल के रथ को थोड़ा हिला रहे थे, तो वो अपने मर्जी से नहीं हिलाते हैं, वो जैसे जैसे देवता का इशारा होता है, जिसमें देवते के शक्ति की ओर से थोड़ा झटके जो जिस प्रकार से महसूस किए जाते हैं, वैसे ही वो रथ हिलता है। वैसे ही लगभग पूरे किन्नौर में या पूरे पहाड़ में ऐसे ही चलता है। नीचे प्लेन में जो है देवते स्थापित होते हैं, उनमें कोई गति नहीं होती है, पर्वतीय क्षेत्रों में ये गतिशील देवते होते हैं। तो यहाँ पर जो देवी माँ है, वो भी रथ पे विराजमान है। हाँ, रथ पे विराजमान है। ये चीज़ देखो, यहाँ आकर हमें एक नई पता लगी है कि पहाड़ में जितने भी देवी देवता हैं, सब रथ के ऊपर विराजमान होते हैं मंदिर के अंदर। हाँ, अब वो जो स्थापित भी होते हैं, परंतु वो हिलते नहीं हैं, परंतु ज़्यादातर मुख्य देवता जो है रथ पर विराजमान होते हैं, वो थोड़ा हिलते हैं। कल सांगला में ये बात मैं भी महसूस कर रहा था कि जब वो रथ हिल रहा था तो वो एक सिमेट्री में हिल रहा था, एक लाइन में हिल रहा था, तो शायद उसका कारण ये हो सकता है कि देवता ने जिस तरफ इशारा किया, तो जो लोगों ने रथ में देवता को उठाए हुए तो सब उसी तरफ बढ़ गए। उसमें बाल से थे, वो क्या चीज़ थी? ये याक का बाल होता है ना, उसका बनाया हुआ होता है, याक का बाल। अच्छा, बना हुआ था। वो मैं कल समझ नहीं पाया था, तो मुझे लगा किसी से पूछूं। अगर देवता की इच्छा हो तो वो रथ बड़े जोर से भी झटके भी लग सकता है और दिशाओं में भी गति कर सकता है, परंतु जो एक नॉर्मल चाल जो है आराम से तरह से गति। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। सर, यहाँ पर दो मंदिर हैं, तो टेंपल के अंदर जा सकते हैं? टेंपल के अंदर नहीं जा सकते हैं। जो पुराना मंदिर है उसमें जो देवी माता की ओर से परमिटेड लोग हैं वही जा सकते हैं, और नए मंदिर में जनरली कारदार लोग जाते हैं, और जो पर्व हो या कोई रथ को उठाना हो, बातचीत करना हो, तभी जाते हैं। तो जो टूरिस्ट आते हैं वो मंदिर के बाहर से ही दर्शन बाहर करते से ही दर्शन करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी हम रिकोंगपियो मार्केट से लगभग 2 किलोमीटर आगे रिकोंगपियो इंडस्ट्रियल एरिया में आए हैं। यहाँ पर मैं आया हूँ कि नौरी शॉल कैसे बनती है ये देखने के लिए। मुझे किसी ने बताया यहाँ पर ये इंडस्ट्रियल एरिया ना, जहाँ भी मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर 20 से 25 यूनिट्स हैं जहाँ पर ये काम होता है। इस समय हम एक यूनिट के बाहर खड़े हैं, अंदर चलते हैं और इनसे किन्नौरी शॉल के बारे में जानते हैं। हम यूनिट के अंदर आ चुके हैं। मैम इस यूनिट की ओनर हैं। नमस्कार। हम आपके पास ना ये देखने आए हैं कि नौरी शॉल कैसे तैयार की जाती है, आप लोग हाथ से कैसे इसको बुनते हैं, और साथ में ये देख लेने के बाद हम कुछ शॉल्स के डिज़ाइन भी देखना चाहते हैं जो आपने खुद तैयार किए हैं। शॉल हम ऐसे तैयार करते हैं, सबसे पहले तो हमारे को ये खड़ी तैयार होनी चाहिए, तो उसकी बात हमारे को मटेरियल लानी पड़ती। मटेरियल लाने के बाद हम ये कि भाई अपने पावर लूम में नहीं बनाते, हम अपने ओरिजिनल हाथ से ही बनाते हैं। ये क्या आइटम तैयार हो रही है? ये दोड़ू तैयार हो रही है। दोड़ू क्या होता है? दोड़ू का मतलब है हमारे को ये लेडीज की जो लाड़ी तैयार होते हैं, तो दुल्हन के ड्रेस है ये हमारी। इसकी लेंथ लंबी होगी और चौड़ी जो है ये 60 इंच चौड़ी होगी। एक बार बुनते हुए देख सकते हैं? अब यहाँ देखो डिजाइन लगा रहे हैं ना। सोचो एक एक धागा लगा लगा के पूरी। जी हाँ, पूरा धोड़ू तैयार हो रहा है। जी हाँ, बहुत बारीक काम है। तो आपको एक धोड़ू तैयार करने में कितना समय लगता है? ये दोड़ू तैयार हम रात दिन करें तब 15 दिन में तैयार करते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, तो आपको ये मार्केट में हम बेचते हैं तो ये 12,000 में बेचेंगे। अच्छा, अब ये जो आपने बनाया दोनों तरफ से दिखा सकते हैं क्या? ये देखो, आपको इसमें जजमेंट नहीं होगा कि भाई मैंने इस साइड लगाया या इस साइड लगाया, तो ये सेम है।
ये देखो इसमें आपको ऐसे नहीं लगेगा। अगर आप लेंगे वो ठप्पा वाला जो सस्ता देख के लेंगे तो उसमें ये देखना, आपने ऐसे पलटा मार के देखना, ऐसे इस साइड को ऐसे सफाई मिलेगा, इस साइड को ऐसे डब्बी डब्बी जैसे ऐसे लगेगा, उसमें आपको ऐसे सफाई नहीं मिलेगा। तो आप हमें कुछ कंबल के या शॉल्स के डिजाइन दिखा सकते हैं? ये है पश्मीना। अच्छा, ये देखो सॉफ्ट है ना, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट। हाँ, तो मैम इसका क्या प्राइस होगा अंदाज में? ये आपको ये 25 से नीचे तो कोई देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रेट इसका नहीं है, इसका वाला रेट इसका है। अच्छा, वो पश्मीना ही महंगा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बकरे का बाल होते हैं ना, उस बाल ही बाल होते हैं, उसमें से एक एक बाल को निकाल के फिर इतना जैसा ऊन निकलेगा इसमें से। अच्छा, तब ये रेट इसके हाई तब है। काफी गर्म होती है ना शॉल? गर्म में होती है ये। अभी हाथ में पकड़ने से भी हमको ऐसा महसूस हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, काफी गर्म है। हाँ जी, ये स्टॉल बहुत बढ़िया, सही है। ये अंगोरा में, ये अंगोरा और उसमें बहुत फर्क है, फर्क है पश्मीना में। थोड़ा इसके बारे में बताइए, कॉस्ट वगैरह? ये आपको इस टाइम 6 में मिलेगा, 6,000 में, पर इसमें फिर डिजाइन 3 है तो, और इसके लेंथ छोटा, चौड़ाई छोटा। अच्छा, तो इसलिए इसका प्राइस है 6,000। हाँ जी। अच्छा, ये अंगोरा में ही है? ये अंगोरा में ही है। इसकी क्या प्राइस है? इसके ऐसे तो 5,000 में देते हैं। यानी वो डिजाइन बढ़ जाता है तो कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बारीकी आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैम ये किन्नौरी टोपी आपने हाथ से बनाई है? जी हाँ। तो इसकी क्या कीमत है फूल मिलाकर? इस टाइम ये फूल मिलाकर इसका 400 जो है इसका कीमत है। 400 रुपया? हाँ जी। देख लीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया था जो किन्नौरी टोपी होती है ना, उसमें एक तरफ से तो ये हरा होता है और एक तरफ से ऐसा ब्राउन, पहनने का स्टाइल मैंने देखा कि ऐसा होता है कि सेंटर से ऐसे आता है। तो ये मैं आपसे ले लेता हूँ, ठीक है? मैं आपकी इसको पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है? एक बार मैं पहनता हूँ, बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आप टोपी पहनते हैं तो मैं आपको एक फूल से स्वागत करती हूँ, तो न्योजक है, माला है, ये आपको स्वागत करती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। मैम ने कितने अच्छे से हमारा स्वागत इस माला से किया है, और ये नेजे की माला है, यहाँ पर चिलगोजा बोलते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। ये स्वागत करने का अंदाज आपका बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पर वेलकम करते हैं किन्नौर में तो ऐसे करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हमारे शादी ब्याह में सबसे पहले जब गेट से आते हैं तो इससे स्वागत करेंगे हम लोग, माला से। फैंटास्टिक, कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत बढ़िया। मैम आपने काफ़ी सारी हमें इन्फॉर्मेशन भी दी, बड़ा अच्छा लगा ये सब देखकर और डिज़ाइंस देखे और अच्छा लगा। तो मैं तो ये चाहूँगा कि आप लोग का काम फले फूले और अच्छे से आप लोग काम करो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं कि आपके काम को बढ़ावा मिले, बड़ा ठीक है, साथ में लोग भी आपकी इस मेहनत को पहचाने और उसकी बराबर कीमत दें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू। मैं आपको उसकी पेमेंट दे देता हूँ टोपी की, और आपको धन्यवाद। हम रिकोंगपियो मार्केट पहुंच चुके हैं, काफ़ी बड़ा ये बाज़ार है, वुलन्स, कपड़े, ग्रॉसरी, मेडिकल शॉप, मोबाइल फ़ोन का दुकान, काफ़ी कुछ है यहाँ पर। इस समय हम रतन सिंह नेजाराम की दुकान पर आए हैं, हमें यहाँ से ना कल्पा के राजमा ख़रीदने हैं, तो मुझे किसी ने रेफरेंस दिया था कि यहाँ पर आप चले जाएंगे तो आपको अच्छी क्वालिटी के लोकल राजमा मिल जाएंगे। यहाँ पे ना 3 किस्म की राजमा की वैरायटी है, एक तो चित्रा राजमा है जो सामने आप देख रहे हैं, एक ज्वाला राजमा बोलते हैं जिसमें लाल रंग का होता है, और तीसरा कैप्सूल शेप होती है। कैप्सूल वाला क्या वो होता है रंग? रेड, रेड कलर में, ठीक है। तो इसका क्या रेट है किलो का? इसका 180 रुपये, 180 रुपीस। तो ये आप हमारे को 2 किलो पैक कर दीजिए। राजमा तो हमने खरीद ली है, अब राजमा खाने का भी मन है, तो हम क्या करते हैं, सामने रेस्टोरेंट है ना लिटिल शेफ, यहाँ चल के पता लगाते हैं इनके पास क्या राजमा चावल मिलेंगे। मीनवाइल आपको मैं बता देता हूँ, इस समय रिकोंगपियो की पूरी बाज़ार है ना बंद हो गई है, जब आए थे तो पूरा मार्केट चल रही थी, और इस अभी कितना 8:30 का टाइम है, तो आजकल कोविड की वजह से 8 बजे मार्केट क्लोज हो जाती है। चलिए ऊपर चलते हैं, इनके पास राजमा चावल अवेलेबल है, मैंने अपने लिए ऑर्डर दे दिया। एक सिटिंग स्पेस तो देखो यहाँ पर है, दूसरा मैं अभी ऊपर देख कर आया हूँ, टेरेस में भी है,
थोड़ा सा ठंडा है लेकिन ऊपर बैठने में मज़ा आएगा, तो मैं ऊपर जा रहा हूँ। लो जी, किन्नौरी राजमा और जीरा राइस रेडी है। मुझे यहाँ पर स्टाफ ने बताया कि इस रीजन में ना जीरा भी ग्रो होता है, तो ये लोग लोकल जीरा इस्तेमाल करते हैं। तो इनका कहना ये है कि यहाँ के जीरे के फ्लेवर में आपको डिफरेंस मिलेगा। अच्छा स्वाद है। ऊपर ना घी का तड़का लगाया गया है, तो वो मैं फ्लेवर में महसूस कर पा रहा हूँ। मेरे को राजमा के साथ साथ ना जीरा राइस बेहद पसंद आ रहा है। सही कह रहे थे, जीरे का जो फ्लेवर है ना, इसमें फ़र्क है। सही है, टेस्टी फूड। ऊपर टेरेस में बैठ के खा रहे हैं, इस बात का कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। मौसम ठंडा है, स्वेटर मेरा गाड़ी में पड़ा है, इसलिए अभी मैंने पहना नहीं हुआ, लेकिन पहन लेना चाहिए। आज का ये एपिसोड बताइए आपको कैसा लगा। हमेशा की तरह मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। आज हम रात को कल्पा में रुकने वाले हैं। कल हमारा सुबह का प्रोग्राम रहेगा कि हम नाको टाबो जाएंगे। इस समय मैंने डिसाइड नहीं किया कि नाइट स्टे कल कहाँ करना है, वो मैं कल मॉर्निंग में डिसाइड करूंगा। डिपेंड करता है कि रास्ते में हम क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं। अब हम फूड फिनिश करते हैं और अब आपसे अगली मुलाकात हमारे अगले एपिसोड में होगी। बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम। अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हैं। इस समय हम रिकोंगपियो में हैं। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो रक्षम से या सांगला से, तो आपके रास्ते में भी एक पेट्रोल पंप आएगा, फिर ये आएगा, और इसके बाद अगला पेट्रोल पंप सीधा काजा में है।